फिल्म स्टार सोनू सूद की बहन मालविका को मोगा से हराने वाली डॉक्टर अमनदीप कौर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, क्या आपने सोचा था कि सोनू सूद का जिस तरीके से नाम था, एक ब्रांड बन गया था, तमाम पार्टियां ये भी कह रही थी कि आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़िए, आम आदमी पार्टी से भी बातचीत हुई थी, तो सोचा था कि इतने बड़े स्टार को आप हरा पाएंगे? सर, ये तो सोचा था कि हरा दूंगी, लेकिन ये नहीं कभी सोचा था कि इतनी बड़ी लीड से हराऊंगी। ये तो पक्का पता था कि जीत होगी, लेकिन इतने बड़े मार्जिन से, पूरे 70 सालों में मोगा में कोई भी MLA इतने बड़े मार्जिन से नहीं MLA बना था। फर्स्ट टाइम हुआ है कि मोगा में 20,898 वोट से तकरीबन 21,000 से लीड ली है हमने कल मोगा में। सोनू सूद ने कोरोना काल में साइकिलें बांटी, बहुत सारे काम किए और अपने आप को एक ब्रांड कहीं ना कहीं उन्होंने बना लिया था, तो आपको क्या लग रहा था कि जिस तरीके से उन्होंने काम किए हैं, लोगों की सहानुभूति उनके साथ थी, उस दौरान भी आप जीत पाएंगी? सर, मोगा के मैं डॉक्टर हूँ और कोविड से 2010 से मैं मोगा में हूँ और मोगा में इतने लोगों को मतलब ट्रीट किया, उनकी सेवा की, तो लोकल जो मोगा के लोग थे उनका विश्वास बना हुआ था मेरे ऊपर। कोविड में भी मैंने, मेरे हस्बैंड ने, ब्रदर ने, सिस्टर इन लॉ, वी ऑल आर डॉक्टर्स, हमने बहुत लोगों का साथ दिया, सेवा की उनकी, और इसलिए सभी लोगों का विश्वास बना हुआ था, तो वो फैक्टर मेरे पे ज्यादा काम नहीं किया। अच्छा, आप इतने मार्जिन से जीत कर आई हैं, अब आपको सरकार से क्या उम्मीद है, केजरीवाल जी से कुछ उम्मीदें हैं कि वो आपको मंत्री पद दें, या कुछ आपने कुछ सोचा हो? सर, MLA बन गई बस, बहुत है अभी, बाकी उनके ऊपर है, ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा। तो ये डॉक्टर अमनदीप कौर हैं जिन्होंने सोनू सूद की बहन मालविका सूद को मोगा से हराया है और अब कह रही हैं कि वो सिर्फ विधायक रहना चाहती हैं और लोगों की सेवा करना चाहती हैं। कैमरामैन दिलीप साहू के साथ सतेंद्र चौहान, मोहाली, आज तक।